हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज किस शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, और उनके दोस्तों ने उनको क्या राय दी, यानी कि दोस्तों से ही बातें कर रहे होंगे वो या जिससे भी बातें कर रहे थे, तो उन्होंने क्या इनको एडवाइस दिया है ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, भाइयों, मेरे बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूँ। देखो, कमेंट बॉक्स तो ओपन है नहीं, है ना, पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स बंद है, है ना। तो आप कितने लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, कौन देख रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, पता कैसे चल सकता है, कैसे? तो आप लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी आईडी शो होगी और मैं, ठीक है, रेगुलर चेक करती रहती हूँ कि किसने सब्सक्राइब किया है, उनका नाम क्या है, और उनके नाम के अनुसार से मैं एक बार रीडिंग करने से पहले आप सबके लिए प्रे करती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए, और उसके बाद मैं रीडिंग करने बैठती हूँ। तो इसलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ, है ना। तो ज़रूर एनर्जी को पिक करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखते हैं किससे और क्या बातें हो रही थी जनाब की। हल्के सहे जनाब का हाल तो हम देखेंगे रात में अभी तो फिलहाल किससे और क्या बातें हो रही थी यही हम देख रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत बेहतरीन सा कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा कार्ड। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले तो आपकी खूबसूरती और आपकी मैच्योरिटी की ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं दूसरों से। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा मैच्योर हो, कितना ज़्यादा खूबसूरत हो, कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, कितना ज़्यादा आप लोगों का प्योर रिलेशनशिप है। ठीक, क्योंकि ये पर्सन का है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है आपके साथ जो भी इनको फील होता है वो बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, तो साइन बता दूं आपके पर्सन का। साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं मेरे पास यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, आपके पर्सन का मुझे ज़्यादा 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 ख्याल मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ज़्यादा एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। एकदम ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं अपनी सिचुएशन में जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात की है कि एक तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस मतलब कि मेरी मम्मी, मेरे पापा के द्वारा दिए गए ऑप्शंस वो हैं, और दूसरा मेरा प्यार है, यानी कि मैं जिनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं आगे जाना चाहता हूँ वो है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनको जो है
किस तरीके से आपके साथ इन्होंने किस तरीके से डील किया, ठीक है। यानी कि ये पर्सन बोल रहे हैं कि यार मैंने जिस तरीके से उसके कॉल को अभी इग्नोर किया है, उसके कॉन्टैक्ट को इग्नोर किया है, उसको पूरी तरीके से अपने मतलब मैंने उसको देखना बंद कर दिया है, मेरा ऐसा हाल हो गया है कि मैं देखना भी नहीं पसंद कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है मुझे, मैं उसके कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ, नहीं वो अटेंड हो रहा है मुझसे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या करूँ मैं, क्यों करूँ मैं, क्या मेरे कॉल करने से या कॉल रिसीव करने से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे बहुत बहुत पेन दिया है, मुझे उसने बहुत पेन दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन वाली फीलिंग्स मुझे आ रही हैं, दर्द वाली फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस मेरे एकदम से ख़त्म हो गए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट हो रहा है कि मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उसकी गलती थी, और अब ये मेरे ईगो के कारण से हो रहा है या किस कारण से हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मेरी गलती थी उसके साथ, उसकी गलती कहीं ज़्यादा थी, उसकी गलती कहीं ज़्यादा थी, उसने मुझे चीट किया, मुझे ऐसा लगता है उसने मुझे धोखा दिया, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मैं दूसरों की बातें सुन सुन करके यहाँ पे परेशान हो गया हूँ, दूसरों की बातें, कभी लोग ये कहते हैं, कभी लोग वो कहते हैं, मेरे दूसरे दोस्त हैं उनका कुछ और कहना है मेरे पर्सन के बारे में और मेरा कुछ और, मेरा दिल दिमाग कुछ और कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वही मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्लियर एक आंसर नहीं मिल रहा है। मैं अपने आप को काफ़ी शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, अपने आप को एक जो होता है ना कि काफ़ी सिंसियर होकर के सोचता हुआ मतलब सोचना चाहता हूँ मैं एकदम से क्लियरली, बट क्या है क्या नहीं है एकदम मैं कोई आइडिया ही नहीं लग रहा यार, मैं एकदम इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बातें कर रहे हैं कि मुझे यार चालाकी कुछ करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा तब जाके गेम बदलेगा, वरना नहीं बदलने वाला ये गेम, कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं और मेरा ये रिश्ता है ना दोनों बच सके। मदर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तू समझ रहा है, मदर और फादर दोनों बहुत, दोनों अपने अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं, दोनों अपने अपने, दोनों के अलग अलग अपने ज़िद हैं, दोनों के अपने अपने ज़िद इसलिए भी हैं क्योंकि मेरी फैमिली को लगता है कि यार मैं उनके लिए नहीं खड़ा ले हो पा रहा हूँ, और मेरे पार्टनर को लगता है कि मैं उसके लिए खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे भी बड़ा वो सुकून तो नहीं मिल रहा है मुझे, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर से बात करूँ, वो मुझे कॉल करे, वो मुझे मैसेज करे, वो मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या है यार, मेरे ज़िंदगी में कुछ क्या बच के रह गया है, हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, तू तो मेरे सब चीज़ों से वाकिफ़ है, तुझे सब पता है मेरा ए टू जेड, तुझे सब पता है, तुझे सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, किसके साथ नहीं हूँ, मैं अपने तरफ से तो लॉयल हूँ ना यहाँ पे, मैं अपने तरफ से मैं नहीं चाहता कि मैं खुद उसको छोड़ करके कहीं और जाऊँ, किसी और के पास जाऊँ या किसी और के साथ रिलेशनशिप ऐसा बनाऊँ, है ना, मैं नहीं चाहता ऐसा कि कुछ हो, बट लोग ऐसे ऐसे हैं कि मेरा माइंड डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मैं उनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं स्टक हो गया हूँ एकदम से, मैं क्या ही बताऊँ तुझे, सच में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, सच में। और मैं जो है ना एक जो कहते हैं ना कि ना इधर का हो गया ना उधर का हो गया, मैं बीच में फंस के रह गया हूँ, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है,
कभी सोच रहा हूँ कि यार ये मेरा कर्मा ही है, मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा ही है और कुछ नहीं है, मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है और मेरे बुरे कर्मों का फल मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्या कर सकता हूँ, तू ही बता। चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त ने इनको क्या एडवाइस दिया है, देखते हैं दूसरे डेक से क्या एडवाइस मिली है जनाब को। ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपके आपके कुछ मतलब कि जैसे होता ना कि आने की आहट इनको समझ में आ रही है। एस ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा फील करते हुए मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन के दोस्त ने ये कहा है कि देख तू जगलिंग करता रहेगा, तू ये कन्फ्यूज़न में रह जाएगा, अगर तुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिली तो तू आज भी कन्फ्यूज़ है और कल भी कन्फ्यूज़ ही रहेगा, तू अपना देख ले तुझे क्या करना है। मेरे ख्याल से तुझे यहाँ से निकलना चाहिए, तुझे आगे बढ़ना चाहिए, तुझे जो है ना ये अपनी जो कन्फ्यूज़न है, ये जो अनबैलेंस्ड सा तो जो रिलेशनशिप है ना, इसको बैलेंस करना चाहिए, इसको बैलेंस तू कर, मेरे ख्याल से तुझे बैलेंस करना चाहिए, तू बैलेंस कर, बैलेंस करेगा तब तेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, तब तेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा, तब तू मुझे जहाँ तक लगता है कि तब तू आगे भी बढ़ पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। आगे तेरा क्या है क्या नहीं है वो तू देख ले, बट मैं कहूँगा तेरे को कि तू अपने आप में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर, तू अपने आप में थोड़ा सा एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर, ठीक है। अगर तू चाहता है कि वो तेरे साथ ही बने, अगर तू चाहता है या चाहती है कि तू उसके साथ हैप्पी फैमिली लाइफ यानी कि एक प्यार भरा रिलेशन, एक शादीशुदा लाइफ तू अच्छी तरीके से जी पाए, तो तुझे कुछ चीज़ें ख़त्म करनी होंगी अपनी लाइफ से। तू खुद सोच, तेरी सबसे पहले कमज़ोरी क्या है, तेरी कमज़ोरी है सबसे पहले कन्फ्यूज़न, तो तू अपनी कन्फ्यूज़न को सबसे पहले ख़त्म कर, सबसे पहले ये तेरा ख़त्म करना बनता है। तू अपने पेरेंट्स से सीधे बोल तू क्या चाहता है, तू अपने दिल से पूछ कि तू क्या चाहता है, तेरा दिल क्या कहता है, ठीक है तेरा दिल क्या कहता है, तेरा दिल कहता है कि तू आगे बढ़ जा, अगर तेरा दिल कहता है कि तू मूव ऑन कर जा तो तू मूव ऑन कर जा, और अगर तेरा दिल कहता है कि नहीं तू उसे शादी कर ले तो तू शादी कर इससे, ठीक है। मेरे पास तो यही, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि तुझे जो है ना डिसीज़न लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, डिसीज़न लेना हर कोई लेता है, तो तू भी लेना डिसीज़न, तो हर कोई लेता है अच्छा बुरा। आज तू मैच्योर है, तू बच्चा नहीं है कि तुझे हम बताएंगे तो तू करेगा, तू खुद का दिमाग लगाना, तुझे खुद का दिमाग लगाना चाहिए, तुझे खुद का सोचना चाहिए, और तुझे खुद को सोच करके यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे जहाँ तक लगता है तुझे ख़त्म करना ही होगा, जड़ से ख़त्म करना होगा, और तुझे फिर से यहाँ से एक न्यू बिगनिंग करनी होगी, न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी में जाना होगा, ठीक, तुझे न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी में जाना ही होगा। तुझे मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर तूने अपनी पावर का यूज़ किया, तूने अपने दिमाग का यूज़ किया, तू कभी फेल नहीं होगा,
क्योंकि भगवान ने तुझे जो दिमाग दिया है वो हर किसी के पास तो है नहीं, मेरे पास भी नहीं है भाई। तो तू यूज़ कर उस दिमाग को, अपने दिल की भी सुन, दिमाग की भी सुन, लेकिन तू एक क्लियर डिसीजन ले, क्योंकि कन्फ्यूज़न तेरा यहाँ पे भाई है। तू जगलिंग करता रहता है, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तू जगलिंग करता है। जगलिंग मत कर, इससे बाहर निकल और एक क्लियर डिसीजन ले अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि तेरी लाइफ तेरी है। तुझे जीना है, मुझे नहीं जीना है, तुझे जीना है, तुझे उसके साथ जीना है, ना कि मुझे और ना ही तेरे पेरेंट्स को। लाइफ टाइम कौन रहेगा, तू रहेगा ना उसके साथ। तो तू डिसीज़न ले, तुझे क्या करना है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके दोस्त ने यही एडवाइस दिया है। अब आगे ये क्या डिसीज़न लेते हैं क्या नहीं लेते हैं आगे का भगवान जाने। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर किया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।